नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 17 जून, और 17 जून के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। उससे पहले अगर आप इनमें से कोई भी पीडीएफ जो है, जितना मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अगर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं। बात आती है हम लोगों की आज के आर्टिकल्स के ऊपर। तो आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है यूनेस्को के ऊपर, फिर है भारत की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये वर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, हर घर जल का कार्यक्रम, सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑडिट, एमएसपी और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स के हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो एक इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर कह रहा है यूनेस्को में, यूएस जो है अमेरिका, उन्होंने डिसाइड करा है कि वो यूनेस्को को फिर से ज्वाइन करेंगे और जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करके यहाँ पर यूनेस्को में जो है यूएस से जुड़ने का डिसाइड कर रहा है। यूएन, यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर यूएस से जुड़ करके $600 मिलियन पे करने को तैयार है। यूएसए और इसराइल दोनों ही यहाँ पर ने जो है अपनी फंडिंग को रोक दी थी 2011 में ट्रंप के समय, जब यहाँ पर फलिस्तीन को एज अ मेंबर स्टेट जोड़ने का यूनेस्को में फैसला किया। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो है वो पेरिस फ्रांस में बने, तो यहाँ पर वापस से ये जोड़ने के लिए किया है। क्यों ऐसा बोला गया कि भाई जो यूएसए ने छोड़ा, तो जो गैप आया यूएसए के छोड़ने की वजह से, वो सारा गैप कौन फिलअप कर रहा है? चाइना। तो चाइना यहाँ पर क्या लेके आ रहा है, वहां पर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी शिक्षा हो, हर प्रकार की चीजों में यहाँ पर चाइना उस गैप को फिल करने के लिए तैयार। तो ये चीज जो है वो यूएसए जो है उस चीज को देख पा रहा है कि अगर कल को चाइना सारे गैप फिल करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर यूएसए ने डिसाइड किया है कि ये सब चीजें यूएसए अब यहाँ पर फिलअप करके ज्वाइन करेगा वापस। ठीक है भाई, तो उसमें वही है कि यूएस यूनेस्को के साथ फिर 22% से ज्यादा यहाँ पर फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, $600 मिलियन की एक्स्ट्रा फंडिंग आएगी। यूनेस्को की मैं बात करूं तो ये 1945 में पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में एजुकेशनल साइंटिफिक, चाहे वो शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सारे तरीके के सुधारों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग देने के लिए कामयाब है। और इसमें 195 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया हमेशा से इसका मेंबर रहा है। और यूनेस्को के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काम जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जो यहाँ पर विश्व धरोहर स्थल है। कितने हैं भारत में? 40 है, जिसमें से एक है मिक्स्ड। कौन सी वाली मिक्स्ड है? कंचनजंगा। कंचनजंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि कहाँ पे है? इंडिया के सिक्किम। उसके अलावा बची हुई और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं काफी सारी, तो ये भी एक आपको याद रखनी है कि ये है। और उसके अलावा ये सारे नाम वाम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक यूनेस्को के बारे में एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। यूनेस्को काफी हमारे लिए जरूरी है समझना, याद रखना इसके ऊपर। तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा।
ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद सेकेंड आर्टिकल की तरफ, वो है फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट यहाँ पर NHAI जो है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने यहाँ पर बोला है कि प्रत्यक्ष उत्सर्जन में कमी, रिपोर्ट के जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो ये बताया गया है कि भाई डायरेक्ट एमिशंस जो है उसके ऊपर है। ठीक है भाई, तो पहली ये रिपोर्ट यहाँ पर ये है जो निकाली गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें इन्होंने यहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल्स जो होते हैं उनके लिए बताया कि भाई NHAI किस तरीके से जो भी कंस्ट्रक्शन करवाती है हाईवेज वगैरह पर, उसमें वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कराती है, सारा फ्लाई ऐश, प्लास्टिक का मटेरियल, पुनर्चक्रित एडिग्रेट, इन सब का मटेरियल यूज करके ही सारी हाईवेज और सारी चीजों को बनवाती है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है उसमें कमी है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर बताया गया कि अभी हाल फिलहाल में ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीजों में ग्रीन हाउस एमिशन भी कम हुए हैं, एनर्जी का भी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो भी टोल कलेक्शन होता है उसमें भी काफी ज्यादा जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होने लग गया, फास्टैग की वजह से कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उसमें भी काफी, क्योंकि मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, प्लांटेशन को हमने वृक्षारोपण में इंक्रीज किया है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जितना भी यहाँ पर आपने देखा होगा, जब भी आप टोल वगैरह एरिया क्रॉस करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वहां पे महिलाएं बहुत ज्यादा वहां पर जो है उनको रखा गया है, मतलब वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है, फीमेल हायरिंग बढ़ी है। स्वैच्छिक स्थिरता रिपोर्ट, यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रीन फाइनेंस के ऊपर फोकस किया गया और ये सच भी है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इस चीज में देखने को मिली है। तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए देखिए, वर्ड जो है सस्टेनेबल, सतत मूल्यांकन, इसका मतलब ही यहाँ पर यही होता है कि हम आज के रिसोर्सेज और आज की चीजों को इतने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं कि आगे आने वाले जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको किसी को भी यहाँ पर कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं ये इम्प्लीमेंट करवाई गई है यहाँ पर, और काफी हद तक ये चीजें जो है वो इम्प्रूव हुई भी, ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, धीरे धीरे करके इन चीजों में काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। तीसरा आर्टिकल है हम लोगों का हर घर जल प्रोग्राम। अब WHO ने यहाँ पर जो है वो बताया है कि अगर हर घर जल जैसा प्रोग्राम होगा तो उससे कितना ज्यादा फायदा होगा, हर एक घर में जल होगा। असल में ये हर एक घर जल जो प्रोग्राम है 2019 में जल जीवन मंत्रालय ने स्टार्ट किया था, जिसमें ये बोला था कि भाई जो नल होते हैं ना, नलकों के थ्रू हर एक घर को साफ सुथरा पानी यहाँ पे दिया जाएगा। और इसमें पूरी पूरी निगरानी किसकी दी गई थी, WHO ने निगरानी रखी थी, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6.1 है वो भी यही कहता है कि हर एक को यहाँ पर क्या मिलनी चाहिए, साफ सुथरी जल की व्यवस्था हर एक को मिलनी चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर ये वाला प्लान शुरू किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये वाला प्लान दिया, इसके इन्होंने चीजें जो है वो करनी शुरू करी और अब इन्होंने रिपोर्ट निकाली है इसके ऊपर। इन्होंने ये बताया कि भाई इस हर घर जल प्रोग्राम के पूरे इसमें क्या बताया गया कि 4 लाख से ज्यादा जो पहले डेथ हुआ करती थी, जिसमें डायरिया तो खराब पानी हुआ करता था, अब खराब पानी की वजह से लोगों में डायरिया की प्रॉब्लम होती थी, तो उसको रिड्यूस करके यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा डेथ इंडिया में प्रिवेंट हुई है, जिसका वन ऑफ दी एक हेल्थ इम्पैक्ट काफी अच्छा रहा है। साथ ही साथ काफी अच्छी स्पीड इसने पकड़ी है, तो इसमें हम इंडिया को कह सकते हैं कि पब्लिक की हेल्थ में एक नया क्रांति आया है। मिशन की प्रोग्रेस में अगर हम बात बताएं तो 41 महीनों के अंदर अंदर 16.64% से 62.84% घरों में टैप वाटर की सुविधा मिलने लगी है, तो ये भी एक अचीवमेंट हुई। साथ ही साथ यहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से एक हेल्थी सोसाइटी जनरेट हुई है, तो उनके ऊपर जो हेल्थ का खर्चा है वो रिड्यूस होने लग गया। और वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ठीक है, उनका टाइम सेविंग होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता खाने वगैरह के लिए, चीजों के लिए, तो ये सब चीजें जो है वो न्यूज में थी और इसी की वजह से ये चीजें जो है रिसेंटली ऐड की गई। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और ये सब जो है पूरा इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम में हो सकता है मेंस के लिए इस पे पूछा जाए ये वाला आर्टिकल कि जल जीवन मिशन के बारे में बताइए और इसकी जो उपलब्धियां हैं अचीवमेंट्स है उसके बारे में समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिजीज का बर्डन, वाटर सप्लाई के चैलेंजेस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे सही हुई है। जो ये वॉश का इश्यूज था थोड़ा उसको भी इम्प्रूव किया गया है। तो ये सारी चीजें इस बार में इस पूरे इनिशिएटिव में परफॉर्म की गई है। आप सभी लोगों को इसमें ये एक जो जल जीवन मिशन है, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए पढ़ के जाएगा। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ केवल इतना ही याद रखना है कि एक मिशन है जो कि इस साल समय शुरू हुआ था, ऐसे हुआ था, बाकी डिटेल में नहीं याद रखना। लेकिन अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो तो आपको इस पूरे मिशन के बारे में कब शुरू हुआ, क्या हुआ, ठीक है, किसने स्टार्ट करवाया, इसको असिस्टेंस कौन दे रहा है, WHO यूनिसेफ इसको असिस्टेंस दे रहे हैं, इससे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फायदा पहुंच रहा है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं। जो ये बेनिफिट्स लिखे हैं ना सारे, प्रोग्रेस के हो गए, इकोनॉमिक के हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारे बेनिफिट्स आप अपने नोट कर सकते हैं और इन बेनिफिट्स को आपको पूरा लिखना। ठीक है भाई, हो जाएगा सबको, हो जाएगा ना ये वाला, इसको आप ये पूरा लिख लीजिए और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो आप इस पूरे को नोट कर लीजिए। छोटा सा पॉइंट था पूरा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ, वो है सुप्रीम कोर्ट के या फिर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। अभी क्या हुआ है कि इसका एक समिट हुआ है गोवा में, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का, गोवा में G20 के तहत ही। यहाँ पर जो ऑडिट का काम है तो ऑब्वियसली बात है भारत की CAG को तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऑडिटिंग का काम है। तो ऑडिटिंग के लिए हमारे जो CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू, वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने बाकी सब लोगों के साथ मिलकर के पूरी मीटिंग्स को कंडक्ट करके इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझाया और ये बताया है कि सारा ऑडिटिंग करना कितना एक इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो ब्लू इकोनॉमी में ऑडिटिंग हो, चाहे किसी भी, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑडिटिंग करो। ऑडिटिंग जो एक है, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एक कंट्री के अंदर, उनकी ऑडिटिंग कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो आपको पता है ना CAG भारत में क्या रोल प्ले करते हैं। CAG आर्टिकल नंबर 148 से आर्टिकल नंबर 151 तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में CAG के बारे में लिखा हुआ है, उनके फंक्शन, उनके रोल, उनकी सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अभी हमारे जो है वो GC मुर्मू है। ये GC मुर्मू पहले जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के जब डिविजन हुआ था 2019 में, तो वहां के पहले LG भी बने थे। CAG यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि भाई जितना भी यहाँ पर ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट में पब्लिक फंड्स को लेती है, उनका ऑडिटिंग करना जरूरी है, पूरी अकाउंटेबिलिटी चेन उस पर डिपेंड करती है। और ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका या तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है या लेजिस्लेशन से। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट के थ्रू, उनकी पावर पार्लियामेंट के थ्रू डिराइव होती है, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट के तहत उस इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया होगा। तो वहां पे सारी की सारी ऑडिटिंग परफॉर्म करना उसके लिए क्या जरूरी है। जैसे आप इंडिया में भी सारा ऑडिटिंग CAG देखते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना कोई CAG होता है, ऐसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी सेम ही सिस्टम पूरा चलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक अलग से एक इंस्टीट्यूट भी है जो पूरा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, सारी एक्सटर्नल ऑडिट इमरजेंसीज के लिए। ठीक है भाई, जो कि पूरा एक वर्ल्ड लेवल पे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, इसके लिए किसी भी और इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, और ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है इसमें अंदर काफी सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इनकी जो है वो साल में 3 बार मीटिंग्स होती रहती हैं, और हमारे जो CAG है इंडिया के GC मुर्मू, वो भी इनके बोर्ड के वन ऑफ दी मेंबर। क्लियर हुआ सबको? तो अभी बस ये मीटिंग कंडक्ट हुई है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि हाल फिलहाल में यहाँ पर एक जो है वो मीटिंग कंडक्ट की गई है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, हो जाएगा सबको लर्न इस चीज के बारे में, आप इसको पढ़िएगा जरूर आर्टिकल को। CAG हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, तो आप वो तो पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगला आर्टिकल है हम लोगों का लीगलाइजेशन ऑफ MSP। ठीक है, MSP का लीगलाइजेशन,
अब एमएसपी में अगर हम हाइक कर देते हैं, मतलब एमएसपी के प्राइसेस को हम बढ़ा देते, तो क्या ये हेल्प मिलेगी फार्मर्स को? बिल्कुल होगा। अभी जैसे अभी समर का सीजन है, खरीफ क्रॉप का, तो यहाँ पर सरकार ने ये बोला है कि वो लास्ट सीजन से ज्यादा अभी 5 से 10% बढ़ाने की कोशिश में कर रही है। एमएसपी आपको पता है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इतने मूल्य पर तो जो है फार्मर से सरकार खरीदेगी खरीदेगी, इतना मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। एमएसपी जो है ये बहुत जरूरी है। अभी ये पूरा प्राइवेट सेक्टर नहीं देखता, सिर्फ सरकार के लिए है। सरकार के बेस पर उसको जो है पूरे चीज को एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूरा इसको परचेज करके प्रोक्योर कर लेता है। अभी बात आ रही है कि इस पूरे को क्या देना चाहिए, कि लीगल स्टेटस देना चाहिए ताकि एक अच्छे से तैयार रहे। तो यहाँ पर अगर हम इनको लीगल कर देते तो होगा क्या? देखो भाई, अभी क्या होता है ना कि चाहे एमएसपी डिक्लेयर है, लेकिन इस मूल्य पर खरीद केवल गिनी चुनी फसलों पे होता है, केवल 22 फसलों पे होता है। अगर आप एमएसपी को लीगली कर दोगे तो हमारे फार्मर्स को खुले बाजार में भी एमएसपी से कम में बेचने को नहीं होगा। वो अभी क्या है, अभी अभी फिलहाल में क्या चलता है कि व्यापारी और बिचौलियों को कितना एमएसपी से कम में बेचना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर केवल 3 से 4 फसलें, जैसे गेहूं, धान, कपास, दालें, सिर्फ इन्हीं को दिया जाता है। बाकी फसलों पर तो कम दाम पे ही खरीदी जा रही है, उनके ऊपर तो अभी भी कुछ भी क्या नहीं है। यहाँ पर कोई विविधीकरण नहीं है, कोई भी यहाँ पर ये चीज आप कह लो कि, तो मैंने बताया ना 22 क्रॉप्स पर है सिर्फ, तो क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है। अगर लीगल हो जाएगा तो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने में बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब चैलेंजेस भी कुछ है। यहाँ पर राइस और वीट को तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जब ज्यादा एमएसपी होगा तो हमारे खाने के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो बाहर बेचते हैं या हम इंडिया में ही डोमेस्टिकली खरीदते हैं, उसका प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, और सरकार का बजट भी यहाँ पर काफी ज्यादा हिलने की संभावना है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और अभी फिलहाल के लिए एमएसपी का पूरा स्ट्रक्चर लीगल करने के लिए सरकार के पास इनफ रिसोर्सेस भी नहीं है, और प्रॉपरली रिसोर्सेज यहाँ पर अभी तय नहीं किए गए हैं। तो अभी ये पूरा तय किया जाएगा और पूरे एक तो सारी चीजें जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये सारा कुछ याद रखना है। तो कंक्लूजन यही है कि भाई अभी फिलहाल के लिए क्या करना चाहिए, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए, और सबके हितों में ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर जो है चीजों का यहाँ पर तय करना चाहिए। ठीक है भाई, प्रॉपर सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत वर्षों से कृषि क्षेत्र बहुसंख्यक, विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होती है चीजें। आय को वृद्धि करने के लिए ये तरीका एक अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर इसको लाने की एक जरूरत है। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। और आज का हमारा लास्ट आर्टिकल कहता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। अभी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने 3 मेजर स्कीम्स यहाँ अनाउंस की हैं, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा लगेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। 8,000 करोड़, जिसमें से 5,000 करोड़ जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा ताकि हर एक स्टेट में फायर सर्विसेज अच्छे से हो सके। फायर सर्विसेज पूरे लाने के लिए 2,500 करोड़ यहाँ पर, जितनी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर सिटीज हैं वहां पे फ्लडिंग को रोकने के लिए, जैसे मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे। और 825 करोड़ जितने भी लैंडस्लाइड होता है, तो भी यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है, उसको रोकने के लिए। इन सब चीजों के लिए सरकार यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करेगी ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से रोका जा सके। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है हमारे फोन्स में भी जब भी कोई बारिश, स्टॉर्म, आंधी, तूफान कुछ भी होता है, हमारे फोन में मैसेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर IMD के ऊपर भी बहुत खर्चा किया गया ताकि वो पहले से ही बारिश और फ्लड का 3 दिन पहले का एडवांस नोटिस दे दे। और इसरो ने भी यहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट पे बहुत काम किया है। डिजास्टर रेजिलिएंट फंड बनाया गया है, फायर बिल तैयार किया गया है। जितने भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग, कोल्ड वेव, फॉग की चीजें आती हैं, उनसे निपटने के लिए पहले ही कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है चीजें तैयार कर दी गई। ठीक है भाई,
तो ये सब आपको इस तरीके से याद रखना है और इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है, इस पे बनता है पूरा क्वेश्चन। तो ये मतलब बनेगा नहीं इस पे हाल फिलहाल के लिए, लेकिन आपको वैसे इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस तरीके की एक चीज है, तो सीधा सीधा आपसे सवाल कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के हाल फिलहाल के इनिशिएटिव्स हैं ये सारे ही जो आपको मैंने यहाँ पे बताए। ठीक है, बाकी अभी एक आपदा मित्र स्कीम चलाई गई थी जिसमें वही ट्रेनिंग दी जाएगी, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एकेडमी, ये सब बनाए जाएंगे ताकि एक बेटर इनिशिएटिव लेकर के स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। आज के हमारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल एक मैंगो है, नाम है उसका करी इशाद मैंगो, सुना होगा ये। अभी फिलहाल इसको जीआई टैग मिला है, कुछ कुछ दिन पहले जीआई टैग मिला है। देखो भाई, जो एक मैंगो है इशाद मैंगो, ठीक है, इशाद मैंगो की ना दो वेराइटीज है। ये इशाद मैंगो ये बहुत सारे एरियाज में जो है वो ग्रो किया जाता है, तो इसीलिए ये वाला एक मैंगो न्यूज में था। एक तो भाई आता है करी इशाद, दूसरी वैरायटी आती है बिली इशाद। तो उसमें से करी इशाद जो मैंगो है ना उसको यहाँ पर मिली है, दोनों ही सही लिखा हुआ है, अंकोला उत्तर कन्नड़, यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है क्योंकि इसका टेस्ट, इसका जो पल्प होता है वो बहुत बढ़िया, इसका एरोमा, इसका टेस्ट सब कुछ काफी अच्छे से है, अंकोला के पास ही आपको देखने को मिलेगा। जीआई टैग के बारे में मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया हुआ है, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है तो आप याद रखिएगा इनको। अभी जो है अगले आने वाले 2032 तक, क्योंकि ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, अभी चल रहा है 2023, तो आगे आने वाले 2032 तक इनको पूरा एक जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है भाई, ये एक अंकोला के गांव है वहां पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है और ये काफी ओवल शेप के होते हैं, और ये बस खास बात है कि इन फ्रूट की शेल्फ लाइफ जो है ना वो 5 दिन होती है, 5 डेज होती है इनकी शेल्फ लाइफ। तो इस तरीके से ये वाला जो है एक पूरा आर्टिकल एक जीआई टैग न्यूज में था। मैंने जीआई टैग के बारे में बहुत बार अपनी क्लासेस में, अपने लेक्चर्स में आपको समझाया है। सो जीआई टैग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई जो है ये न्यूज में होता ही होता है। आप भी जानते हैं कि जीआई टैग मिलते रहते, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज में तो रहती है ये चीजें। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस पूरे को अच्छे से स्टडी कर लो, इस पूरे को लर्न कर लेना और ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है एक्विरेन एक्सरसाइज। एक्विरेन का मतलब दोस्ती। तो यहाँ पर अभी जो ये एक्सरसाइज है ये 2023 में कंडक्ट की गई है, ये अभी 11 जून से लेकर के 24 जून तक पूरी चल रही है। कहाँ पे हो रही है? ये हमारे भारत के उत्तराखंड के चौबाटिया जिले। कहाँ पर? चौबाटिया जिला। तो ये एक्सरसाइज 12वां एडिशन है, इंडिया और म्यांमार के बीच में है। और एक चीज बता दूं, बस छोटी सी मिस्टेक है, म्यांमार के साथ नहीं होती है, मॉलडीव्स के साथ होती है। इसका मतलब ही होता है दोस्ती। तो उस तरीके से ये एक्वेरियन एक्सरसाइज चल रही है, ये डिफेंस का यहाँ पर पूरा न्यूज में चल रहा था, तो इसको भी एक आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि इस पूरे टॉपिक को आपको लर्न हो जाएगा सभी लोगों को यहाँ पर। लर्न हो जाएगा सभी लोगों को पूरा ये। तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट करना है, लर्न करना है, ये सारी चीजें आपसे सीधा पूछी जाएंगी। तो इट इज वेरी लाइक आपको मैं जितनी जितनी प्रैक्टिस करा रही हूँ यहाँ पर, उसके हिसाब से आप ये पूरा लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।